पवित्र श्रीमद् भागवत गीता, पवित्र चारों वेद, पवित्र कुरान शरीफ, पवित्र बाइबल, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब, पवित्र कबीर साहिब की वाणी में छुपे हुए गूढ़ रहस्य अर्थात तत्व को जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। तो फकीर बोला कि राजन, मैंने सुना है कि दूध में घी होता है, पर आपके दूध में घी को नहीं, मैं ना पीऊं इसमें। अब राजा हंसा, कहने लगे भले आदमी, तुझे ये नहीं मालूम कि दूध से घी कैसे निकाला जाता है, तो तू काहे का भगवान पाया होगा तूने। सुन, मैं विधि बताता हूं कि दूध को पहले गर्म किया जाता है, फिर ठंडा करके और उसमें कुछ जामुन डाला जाता है, उसको जमाया जाता है, फिर वो दही बनता है और फिर उसको रिड़का जाता है, फिर उसमें से मक्खन निकलता है, फिर उसको गर्म करके घी बनाया जाता है। समझा, दूध से घी ऐसे निकलता बनता है। तब राजा उस संत ने कहा कि महात्मा जी, जिस प्रकार दूध से घी निकालने की प्राप्त करने की विधि है, ऐसे ही तन में शरीर में परमात्मा प्राप्त करने की विधि है, मैं बताऊंगा और आप करो। राजा बोला तू ज्यादा बात बनाता है, इसको ठोक दो नरक में। ये बकवादी है, ऐसी ऐसी बातें मैंने बहुत सुन रखी है, मैं बहुत जख्मी हो चुका हूं इंसान फकीरों की बकवाद सुनकर। वो भी डाल दिए। परमात्मा कहते हैं, जो जन मेरी शरण है ताका हूं मैं दास, और गेल गेल ला गया फिर जब तक धरती आकाश। ये अब्राहिम सुल्तान अधम जो थे, ये सम्मन वाली आत्मा थी, जिसने उस जीवन में अपने इकलौते पुत्र को परमात्मा के भोजन के लिए और गर्दन काटनी पड़गी थी। उस पुण्य के कारण, उसको पिछले जन्म की भक्ति के कारण, और उस पहले उस शरण में रहा था, इस कारण से उस पुण्य आत्मा को, उस राजा को उस नरक से निकालना था जिसको वो बहुत अच्छी आइटम मान रहा था, उस ठाठ बाट राज फकीरी को, राज को। अब हम तो माया माया करते फिरते हैं, भगवान धन मिल जा, कार मिल जा, कोई ठीक हो जा। ठीक है पुण्यात्मा, आपको इतना तो भगवान जरूर देगा कि आपका गुजारा ठीक चले, लेकिन यह माया अच्छी को ना, यह दुश्मन है इस जीव की, यह परमात्मा से दूर करने का पहला जाल है। अब परमात्मा, हम तो मांगे धन, और परमात्मा उस धन को, उस माया को जहर दिखावे हमारे लिए, ताकि हम इससे दूर हटें। वो परमात्मा कबीर जी पहुंचे अपनी उस प्यारी आत्मा को शरण में लेने के लिए, उस अब्राहिम सुल्तान अदम को। रात्रि के समय राजा के महल के ऊपर एक ऊंटों वाला रहबारी बोलते हैं, कारवान, जैसे इधर हमारे क्षेत्र में राजस्थान साइड के ऊंट चराने आते हैं, ऊंटे ले आते हैं जब उधर वर्षा ना होती है, तो वो वैसे बड़े बड़े तो साफे बांधते हैं, धोती टांग, डबल लांगड़ की धोती टांगे, घुटने आती की होती है वह, लंबी लंबी नोक की जूती, लंबी लाठी। तो इस वेशभूषा में परमात्मा राजा के रेजिडेंस के ऊपर छत पर खड़ा होकर नो लाठी मारे, आवाज करे दूर दूर से। अब राजा ने सैनिकों से कहा कि लाओ पकड़ के, कौन है ऊपर, कौन श्राद्ध कर रहा है। ऊपर से लाए पकड़ के, नीचे एक ग्रामीण सा व्यक्ति बूढ़ा बाड़ा खड़ा है सामने, परमात्मा इस रूप में थे। राजा ने पूछा भी तू क्या कर रहा था ऊपर।
परमात्मा बोले कि ए बादशाह, मेरा ऊंट गुम हो गया और उस ऊंट को ढूंढने के लिए ऊपर छत पर गया था देखन खातर कि मेरा ऊंट ऊपर ना बैठा हो। अब वो राजा हंसा, कहने लगा रे बोले आदमी, इस छत के ऊपर ऊंट जाएगा कहां से, तेरी दिमाग खराब हो रहा है क्या? परमात्मा बोले मेरा तो दिमाग खराब हो ही रहा था, पर हो तेरा भी रहा है। तू जिस तरीके से पर जैसे छत पर ऊंट नहीं हो सकता, क्वाइट इम्पॉसिबल, इस प्रकार जो बकवास तू कर रहा संतों को दुखी करने का, ऐसे तुझे सात जन्म भी परमात्मा नहीं मिल सकता, न्यो कहकर अंतर जान होगी। अब राजा ने मुश्किल होगी और राजा एकदम घबरा गया और मूर्छित हो गया। परमात्मा वहां पहुंचे जहां पर वो 360 साधु चक्की पीस रहे थे जेल में, वहां जाकर अंदर जाकर कहने लगा उन सैनिकों से, जेलरों से कि भाई मेरी भी सजा होगी है, तुम्हारे राजा ने भेजा हूं, मुझे भी अंदर कर दो। पहले ही से कानून थे। जेलर बोला अच्छा तू भी अंदर जाना चाहता है, कहां कर मुझे भी अंदर, चल बोला आ जा अंदर, वो कर दिया। कहने लगा चल ये चक्की पीस। वो जो परमात्मा बोले भाई बात सुन लो, देख दोनों काम नहीं करेंगे हम। वो सारे वो कैदियों से बोला भाई डटो, एक काम करेंगे, चाहे चक्की घुमा लो, चक्की हम घुमाएंगे तो तुम इनमें आटा डालो, वो कणक डालो, और ना तुम आटा चक्की घुमाओ और हम कणक डालेंगे, बोलो कौन सा काम करोगे सिपाहियों। अब वो सैनिक बोले डाइन की फड़क निकालते हैं, कहने लगे ठीक है तुम चक्की घुमाओ हम आटा इसमें कणक डालेंगे। अब उन्हें सोचा था कि इन्हें खूब तक कणक इनसे जल्दी जल्दी घुमाएंगे, ना घुमाओगे लठ मारेंगे इनका है, पीट पीट का जिनको अच्छी तरह तंग करेंगे, कह के स्ट्राइक करें सीधा करेंगे। कैदियों से बोले तुम खड़े हो जाओ, सारे जितने वो साधु थे खड़े हो जाओ अपनी अपनी चक्की के सामने, और उन सैनिकों से कहा भी तुम भी आटा डालने के लिए कणक डालने के लिए तैयार हो जाओ। बोले हम हो रहे तैयार, बैठो तुम। परमात्मा ने क्या किया कि सोटी ले रखी थी डंडा लाठी, वो अपनी चक्की के हैंडल के ला दी, वो ऐसे किल्ली सी होती थी उसको पकड़ के घुमाया करते हैं, उसके वो डंडी लगा दी और वो 360 चक्की अपने आप घूमने लगी, जैसे इलेक्ट्रिक मोटर वाली चल जा कर ऐसे चलने लगी। अब ये अचंबा देखकर, ये करिश्मा देखकर वो सैनिक तो दूर हो गए खड़े। परमात्मा बोले भाई तुम आंखें बंद करो जितने भी कैदी हैं, और फिर कहा कि आंखें खोलो। जो ही आंखें खोली तो वो जेल से बाहर खड़े सारे और परमात्मा भी साथ थोड़ी सी दूरी पर। परमात्मा बोले भाई इस राज्य से बाहर चले जाओ, इसकी बुद्धि भ्रष्ट हो रही है राजा की, और फिर मत आना इधर। तो वह तब भाग लिए कतिनो, जैसे फाटक में तो पशु छूट जाया करें, वो उस तो अगर वो उस तो अगर वो जा बाबा जी तब आगे। उधर से जब चक्की चल रही है तो सारे सैनिक उस कैद ने छोड़कर वो जितने सिपाही थे बाहर भाग लिए, राजा के पास गए जी, वहां तो ऐसा हो रहा है चक्की चल रहा आप आप। अब वो राजा को लाए बुलाकर, तो पता चला कि राजा भी मूर्छित हो गए थे, एक संत यहां भी आए थे। उस राजा ने कहा भी वो तो यहां भी आया था मेरे पास, तुम्हारे पास भी पहुंच गया, कहा जी सारी जेल खाली करवा दी उसने तो। अब वहां राजा आया, उसने चक्की चलती देखी। अब राजा ने सोची तो भाई कोई फरिश्ता था, कोई जबरदस्त शक्ति थी, और मैंने अपनी नालायकी के कारण इसके बदतमीजी कर दी। राजा के देखते देखते वो चक्की अपने आप रुक गई। अपने आत्माओं शेष कथा श्याम को सुनाएंगे। बोलो सतगुरुदेव की। परम पिता परमात्मा, सर्वश्रेष्ठी रचनहार कबीर देव, कबीर परमेश्वर, अल्लाहु अकबर अल्लाह कबीर, वो स्वयं अपने सत्यलोक से चलकर यहां काल के लोक में आता है और अपनी उन पुण्यात्माओं को मिलता है जो पहले किसी समय में परमेश्वर की सत्य भक्ति को कर रहे थे,
उन पुण्यात्माओं को मिलकर के परमात्मा अपना साक्षी बनाता है कि कबीर परमात्मा है, वो जुलाहा जो काशी में आया था वही भगवान है। जिस कारण से हम इस कलयुग में उस परमेश्वर को पहचान पाते हैं और उसी परमेश्वर की गवाही साक्षी सर्व सदग्रंथ दे रहे होते हैं, तब हम अपने परम पिता को, तब हम अपने सृजनहार को पहचान पाते हैं। इस काल भगवान ने हमारे साथ ऐसा जुल्म किया हुआ है, ऐसा धोखा किया हुआ है कि इसने हमारे को अपने पिता के चिन्हों से भी दूर कर दिया, हम उसके नामों निशान से भी दूर कर दिया। हम परमात्मा के स्वरूप का अभी तक फैसला नहीं कर पाए, वो कैसा है, कौन है, क्या नाम है, कहाँ रहता है। जिस भी महापुरुष से हम मिलते हैं, सुना करते थे, कहते थे परमात्मा तो निराकार है, उसका कोई आकार नहीं, वो तो केवल प्रकाश रूप है, वो तो सूर्य के तुल्य प्रकाश रूप है, स्वरूप है। जब तक हमें ज्ञान नहीं था और उन महापुरुषों की वो गवाही नहीं देखी थी जिनको भगवान मिला, तो हम उसी अज्ञान सिद्धांत को स्वीकार किए हुए थे कि परमात्मा निराकार है। पुण्यात्मा वो परमेश्वर स्वयं अपनी प्यारी आत्माओं को ढूंढते फिरते हैं। वो परमेश्वर अपने उस तत्व ज्ञान में, अपनी अमृतवाणी में स्वयं बता रहे हैं कि गोता मारूं स्वर्ग में, जा बैठूं पाताल और कह कबीर में ढूंढता फिरूं अपने हीरे मोतीलाल। उसी दृष्टिकोण से परमात्मा अपने उसी नियम अनुसार के जो जन मेरी शरण है, ताका हूं मैं दास और गेल गेल ला गया फिरू जब तक धरती आकाश। जैसा कि आप सुबह के सत्संग में सुन रहे थे अब्राहिम सुल्तान अधम की कहानी, वो कथा, उसमें अब्राहिम अधम सुल्तान कौन थे, ये सम्मन नाम के एक भगत थे। इन्होंने अपने पुत्र की कुर्बानी दे दी थी, किन्हीं सरकमस्टांस के कारण, कोई ऐसी स्थिति बन गई थी कि अपने परमात्मा, अपने गुरुदेव की इज्जत की, अपने गुरुदेव की बेइज्जती न होने देने के कारण अपने बेटे की गर्दन काट दी थी कि कोई मेरे बेटे को पहचान ना ले, और जिस कारण से गुरुदेव पर कोई आपत्ति ना आ जाए। तो कबीर परमेश्वर जी ने उस बच्चे को जीवित कर दिया था। वो लड़का सेऊ नाम था, लड़के की माता का नाम नेकी था, तीनों प्राणी परमात्मा के भक्त थे। नेकी और सेऊ दोनों पार हो गए। सम्मन के मन में कुछ त्रुटि रह गई थी जिस कारण से वो पार नहीं हुआ। तो उस परमात्मा के संग रहने से, परमात्मा की सत भक्ति करने से उसको नेक्स्ट जीवन मनुष्य का मिला और नौ शेर खान नाम का बादशाह बना, राजा बना। वहां भी परमात्मा उनको मिले, फिर भी वो पार होने की नीयत नहीं रखता था। उसका वो जीवन समाप्त हुआ। अगले नेक्स्ट जीवन में वो अब्राहिम सुल्तान अधम नाम का बलक शहर का वो राजा बना। उसकी कथा आप सुन रहे हो कि परमात्मा एक ऊंटों वाले का, ऊंट चराने वाले का एक रहबारी अर्थात कारवां का रूप बनाकर राजा के महल के ऊपर, छत के ऊपर खड़ा होकर के अब्राहिम सुल्तान के रेजिडेंस के ऊपर, जहां उसका निवास स्थान था, उसकी छत पर ऐसे लाठी के साथ शोर करने लगा था। राजा की आंखें खुल गई थी, नींद भंग हो गई थी। उसने अपने सैनिकों के द्वारा परमात्मा को अरेस्ट करवाया
तब परमात्मा से कहा था कि तू कौन है, बोले आदमी कहां तड़ा हुआ था, छत पर किस लिए गया था। तब परमेश्वर ने कहा था उस रहभारी अर्थात कारवा के रूप में, भाई जी मेरा एक ऊंट गुम हो गया, उस ऊंट को तेरे महल की छत पर ढूंढ रहा हूं। राजा ने कहा था रे बोले आदमी ऊंट और छत पर कैसे जा सकता है, क्वाइट इम्पॉसिबल, कभी नहीं हो सकता, कहीं बाहर जंगल में ढूंढ उसको जा करके। तब परमात्मा ने कहा कि जिस परमात्मा की तू खोज में है और जिस तरह से आप खोज रहे हो परमात्मा को पाना चाहते हो, उस तरीके से परमात्मा की प्राप्ति इतना ही इम्पॉसिबल है, असंभव है, जितना छत के ऊपर ऊंट का होना। यूं कहकर परमात्मा अंतर्ध्यान हो गया, राजा अचेत हो गया। कुछ देर के बाद वो जब होश में आया तो बहुत ही चिंतित था, घबराया हुआ था। रानी ने, जो उनकी मुख्य रानी थी, उन हजारों रानियों में से जो मुख्य रानी थी, उसने किसी अपने गुरु पीर को बुलाया, सारी कहानी बताई कि इनको पता नहीं के दिखाई दिया एकदम आगे से वो अदृश्य हो गया। उस गुरु पीर ने, उस जंतर मंतर करने वाले ने राजा के यहां एक धागा बांध दिया और कहा कि अब ये कोई भूत प्रेत था, अब नहीं आएगा। कुछ दिनों के बाद परमेश्वर कबीर जी वही अल्लाहु अकबर एक अतिथि का रूप बनाकर, एक मुसाफिर का रूप बना करके और राजा के रेजिडेंस में, शाम के समय राजा के महल में पहुंच गया। आगे राजा बैठा था और भी सैनिक खड़े थे। परमात्मा को वो प्रारंभ के जो सैनिक थे, जो वो नहीं देख सके, उनको दिखाई नहीं दिए, और वहां राजा के निकट जाकर के परमात्मा दृष्टि गोचर हो गए। अब्राहिम सुल्तान अधम ने पूछा कि भाई तू कहां आ गया, यहां किस लिए आ गया तू? तो परमात्मा ने कहा कि भाई साहब मैं रास्ते चलता एक मुसाफिर हूं, मैंने आगे जाना था, रात्रि होगी है, मैं आज की रात तेरी धर्मशाला में, इस सराय में रात काटना चाहता हूं, रात्रि यहां बिताना चाहता हूं, और मुझे एक कमरा किराए पर दे दे और उसका किराया बता दे एक रात का। अब वो अब्राहिम सुल्तान बादशाह ने सोची बोला आदमी है कति, इसको पता नहीं। कहने लगा ए मुसाफिर, ये राजा का महल है, ये सराय नहीं है, आपको गलत आगे हो, आप जाओ धर्मशाला में चले जाओ। तब परमेश्वर ने कहा कि भाई एक बात बता, तेरे से पहले इस महल में कौन था? अब राजा कहने लगा मेरे से पहले मेरे पूर्वज थे इसमें, मेरे माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, यानी जैसे उनकी। परमात्मा बोले वो कहां गए भाई? तो राजा कहने लगा वो तो अल्लाह खुदा को प्यारे हुए। परमात्मा परमेश्वर कबीर देव जी, कबीर जी कहने लगे तू कितने दिन रहेगा भाई इस सराय में, आप कितने दिन रहोगे इस महल में, क्या तू नहीं जाएगा? भले आदमी जिस तरह तेरे माता पिता मर गए, वो चला गया सराय छोड़ के, तू भी चला जाएगा, वो तेरे बाप दादा पड़ पीढ़ी हुआ भी बस ये सराय में गिगी, मैंने इसलिए ये महल ऐसे ही तू चला जाई, इसलिए मैंने यह महल सरा बताई। इतना कहते ही वो अंतर्ध्यान हो गया, परमात्मा अदृश्य हो गई। अब्राहिम सुल्तान बैठा बैठा कांपने लग गया, एक तो वो डर के आदमी सामने से एकदम दिखाई नहीं देवे, कलेजा फट गया और बेहोश हो गए, अचेत हो गए। अब कुछ देर बाद फिर वो गुरु पीर बुलाए, झाड़े झूड़े लाने वाले, दूसरा बुलाया, उसने दूसरी बाजू का धागा बांध दिया, कह दिया कि अब
वो भूत ईब का को नहीं आवे, अब इसके पास निकट नहीं आएगा, इसका जंतर मंत्र मैंने पक्का कर दिया। अब कुछ दिनों के बाद क्या हुआ कि राजा क्या करता था, दिन के समय कुछ समय वो अपना एक नौ लखा बाग था, नौ लखा का अर्थ होता उसमें 9 लाख पेड़ होते थे फलदार अलग अलग हर तरह के, और उसमें रात दिन के समय वहां जाकर के विश्राम किया करता था घंटा दो घंटा चार घंटे, और वहां एक बांदियों की ड्यूटी लगा रखी थी मंत्रियों ने कि जो वहां नौकरानियां होती थी वो क्या करती थी, राजा का जो बेड लगा हुआ था उस बाग के अंदर उसके चारों तरफ सुंदर फूल के गुलदस्ते से बनाकर के गमलों में सजा कर आया करती थी डेली नए नए सुगंधित फूलों के, और राजा के बिस्तर को झाड़ के बिछा के अच्छी तरह पूछ पाछ के बिछा कर आया करती थी। एक दिन परमात्मा ने कबीर परमेश्वर ने एक नौकरानी का रूप बनाया, बंदी का रूप बनाया और पहुंच गए वहां, तो दूसरी बांदियों ने सोचा कि कोई ड्यूटी दूसरी की लग गई आज तक वो ठीक है काम हो रहा है, बाकियों ने ध्यान नहीं दिया। अब उस परमेश्वर ने वो उसी तरह चारों तरफ गमले में वो फूल सुगंधित सेट किए और अच्छी तरह वह राजा का जो बेड था बिस्तर बिछाया, और उस बिस्तर पर वो स्वयं लेट गए बांदी रूप में। राजा विश्राम करने के लिए आया, उसने देखा कि बंदी यानी एक नौकरानी और बादशाह के बेड पर विश्राम कर रही है, इसने मेरा खोप नहीं मेरा डर नहीं इसने सब मर्यादा भंग कर दी। क्रोध में आकर के उस इब्राहिम सुल्तान अदम ने वहां एक हंटर रखा होता था, राजा के पास एक कोड़ा होता था वो वहां विद्यमान रहते थे ये उसके पास जहां भी वो विश्राम करता था कि कोई भी कोई सजा देनी होती थी तो वो राजा हाथों से कोड़े मारता था, तो वो एक कोड़ा उठा के अंटर बोलने उसने कोड़ा वो उठा करके और परमात्मा के ऐसे गुस्से मार करके 3 मारे और तीनों के निशान न्यारे न्यारे हो गए, भिन्न भिन्न निशान शरीर पर परमात्मा के पर हो गए, और परमात्मा बांदी रूप में खड़े हुए कबीर भगवान, और पेट पकड़ के जैसे जबर बहुत जोर से हंसा करते हैं, पहले तो एक बार रोए रोने का बहाना किया और फिर इतना जोर से हंसे हंसते हंसते लोटपोट हो गए, यानी जैसे लेट जाते ऐसे हो गए, और फिर खड़े हुए तो राजा ने उसकी बांह पकड़ ली बाजू पकड़ ली बांदी रूप में परमात्मा की उस लड़की रूप में, और कहने लगा बांदी तू हंस क्यों रही है, तू हंस क्यों रही है, मेरे कोड़े लगने के बाद तो इतना तगड़ा था वो राजा, कहने लगे ये कोड़ा मैं जब घोड़े का मार दूं तो घोड़ा लौट जा गिर जा, और तेरे मैंने 3 मार दिए तो फिर भी हंस रही है, कारण बता क्या कारण है। तब परमात्मा बोले कि मैं तो एक घड़ी सेजा सोई और ताते मेरा ये हाल होई। परमात्मा क्या बता रहे हैं कबीर भगवान बंदी रूप में, मैं तो एक घड़ी इन सेजा सोई और ताते मेरा ये हाल होई, और जो सोए दिवस और राता उनका के हाल विदाता। मैं तो 30 गंदी सेज पर एक घड़ी सोई लेटी हूं और एक घड़ी की सजा मुझे 3 कोड़े मिल गए, मैं न्यू हंस रही हूं बेटा तेरी ये लगे बनेगी तेरे कितने कोड़े लगेंगे, न्यू कहकर वो एकदम हाथ छुटवा के और अंतर ध्यान हो गए। राजा बेहोश हो गया वहीं पर और उस दिन 2 घंटे में सचेत हुआ और कति दिल टूट गया उसका, किया तो बहुत बात बिगड़ गई भाई।
ना किसी तो बोले ना बतलावे, ना कोई राजकाज में रुचि रही। रानी चिंतित हुई कि ये तो बैराग लेवेगा, तुम्हें छोड़कर जाएगा। यह चिंता होती है पत्नियों को कि ये तो राम नाम पर कुछ ज्यादा ही चर्चा करने लग गया, कदे हमने छोड़ ना जावे। वो चिंतित होगी। उन्होंने फिर और जंतर मंत्र करने वाले दूर दूर से मंत्रियों से बुलाए, उन्होंने एक गले में गंडा बांध दिया तागा। अब वो राजा बहुत मायूस रहने लगा कि तो बहुत गुंडी बात बनेगी भाई। ठीक, अब ये कोई क्या शक्ति है, ये कोई पीर है, ये क्यों मेरे साथ पड़ा हुआ है? और बात इसी काटे की कह है कि कई दिन तो दिल में छेद बन जाता है। तो उसने सोचा अब क्या विकल्प भी कुछ नहीं सामने नजर आ रहा। कुछ दिनों के बाद वो राजा को रानियां मंत्रियों से कह करके कोई ऐसे ही बातों बातों में लगा के, तो रानियों ने कहा मंत्रियों से कि आप राजा को बाहर जंगल में सैर सपट्टे को ले जाओ, कई दिन पिकनिक मना के आओ। अब कुछ दिनों के बाद फिर मंत्रियों ने कहा कि राजन पिकनिक मनाने चलते हैं, शिकार खेलने जाया करते हैं राजा लोग। शिकार राजा जितने खोटे कर्म कोई नहीं करता पुराने समय में, वर्तमान में तो वैसे बिना गिनती के पाप कर देते हैं राजा लोग, क्योंकि एक ऐसी व्यवस्था बन गई है राजनीति, वोट का राज ऐसा हो गया है, इसमें तो नरे पाप करे हैं। और पहले वैसे प्रजा के लिए न्यायकारी होता था राजा, लेकिन शिकार शिकूर खेल के और बकवाद नरी करके ये पाप न्यारे कराया करता। तो काल ये चाहता है कि ये मनुष्य जीवन में अपने कर्म कति बिगाड़ दे, केवल कबीर परमात्मा आकर के हमारे शुभ कर्मों को बनवाता है, हमारे अच्छे संस्कार तैयार करवाता है शास्त्र अनुकूल साधना बताकर। तो मंत्रियों की उस सलाह को के शिकार खेलने चलते हैं राजा ने स्वीकार कर लिया, चले गए। वहां पड़ाव ला दिया एक हफ्ते के लिए, यानी 7 दिन के लिए वो प्रोग्राम बना के गई। शाम के समय वहां पहुंचे, सुबह राजा भी और सभी सैनिक साथ थे, 150-160 जितने मंत्री थे, वो सभी शिकार के लिए जंगल में प्रवेश कर गए अपने पड़ाव को छोड़कर। सारा दिन बीत गया, रात दिन के 12-1 बज गया, यानी दोपहर हो गई। कोई शिकार कोई प्राणी उनके सामने नहीं आया, और बिना शिकार खेले राजा वापस लौट जाता अपनी बेइज्जती मान्या करे। इतने में क्या हुआ कि एक हिरण सामने से आता दिखाई दिया। राजा ने कहा कि भाई अगर ये हिरण जिसके पास से बच के चला गया उसकी खैर नहीं, उससे ये हिरण ले लिया जाएगा। अब वो परमात्मा की लीला में हिरण था, परमेश्वर सब लीला करते हैं। वो हिरण दौड़ता दौड़ता आया, उनके तीरों से बचता बचाता और राजा के घोड़े के नीचे के निकलकर आगे स्पीड खींच दी, भाग लिया। अब राजा शर्मिंदा हो गया कि किसको कहूं कि लाओ पकड़ के। उसने स्वयं ही घोड़े को तेज दौड़ा दिया उस हिरण के पीछे। वो मृग इतनी स्पीड से भाग रहा है, राजा भी घोड़े को दौड़ाता जा रहा। लगभग 20 मील जंगल में गहरा घुस गया और वहां जाकर के वो हिरण दिखाई ना दिया। वो कितना इधर उधर हो गया, उसने सोचा तो कहीं छुप गया। हिरण तो छोड़ दिया, उधर क्या हुआ कि इतनी जबरदस्त प्यास लगाई, घोड़े को भी प्यास लगाई, मुंह में झाग आ गए। इधर उधर देखा कहीं आसपास पानी का नामो निशान नहीं, कहीं जल नहीं, कोई सरोवर नहीं, और उधर से भूख लग रही जबरदस्त और प्यास लगाई। अब राजा को लगा कि आज तेरा अंतिम दिन है, यदि आध घंटे जल नहीं मिला तो प्राण यहीं छूट जाएंगे, इतनी दुर्दशा होगी। उस दयालु परमेश्वर ने कैसी कृपा की। अब काल तो चाहता था यू मर जा,
ये तो कदे तत्वदर्शी संत की शरण में चलाना जांच का पीछा छूट गया। परमात्मा रक्षा करता है। उसी समय परमेश्वर ने क्या किया, उसी रास्ते में एक सुंदर वाटिका बनाई, उसमें सुंदर वृक्ष थे, बढ़िया फलदार वृक्ष, सेब संतरे काजू केड़े यानी खूब अच्छे उसमें फलदार वृक्ष लगे हुए, आम के पेड़, और एक तालाब बना हुआ सुंदर जल का, और एक झोंपड़ी डली हुई डाल करके परमात्मा जैसे वहां कोई फकीर रूप में साधु रूप में रह रहे हों। और परमेश्वर ने तीन कुत्ते बढ़िया वाले बहुत सुंदर कुत्ते और तीन बेलों से बांध कर खुट्टी गाड़ कर तीन बेलों से वह कुत्ते बांध रखे, और एक कुत्ता बांधने की बेल चैन वालों की संगल एक खाली रखी अपने पास रखी हुई थी। अब राजा ने देखा कि सामने सुंदर सरोवर है, सुंदर एक तालाब है, तलैया है और फलदार वृक्ष लगे हैं। अल्लाह का शुक्र किया, ये भगवान तेरा बुलाओ, ओए हो मेरी तो प्राण बच गए, है परमात्मा बड़ी दया करी। घोड़े को जल पिलाया, स्वयं जल पिया, फिर कुछ आहार किया, आहार करके देखा कि एक फकीर बैठा है एक झोंपड़ी के पास और तीन कुत्ते वहां पर सुंदर बंधे हुए हैं। अब राजा ने सोची इस महात्मा से दो कुत्ते लेकर चलता हूं, एक रहेगा तीन्ना का, यू एक बहुत है इसको। वहां फकीर के पास पहुंच गया राजा और कहा, बाबा जी ए महात्मा जी, ये दो कुत्ते मुझे दे दे, तू क्या करेगा इन तीनों का। नू कहता कहता वहां एक पत्थर सा पड़ा था, उसके ऊपर राजा बैठ गया फकीर के सामने। परमात्मा कबीर देव जी जो फकीर रूप में संत रूप में विराजमान थे, कहने लगे, भाई ये कुत्ते ऐसे नहीं दे सकता मैं, ये कुत्ते नो देण के कोन्या। राजा बोला, क्यों क्या बात है। परमात्मा बोले, कबीर देव जी फकीर रूप में कहने लगे, भाई ये बताऊं कौन है। ये पहले वाले के हाथ लगाया, कहने लगे ये जो बलख शहर का राजा है ना, एक वो इब्राहिम सुल्तान, ये उसका फादर है, पिता है, और ये इसका उसका दादा है और ये परदादा है। इनको मैं मिला करता था, मैं इनके पास जाता था, प्रार्थना करा करता, भाई भक्ति कर लो, परमा अल्लाह खुदा का नाम मैं बताऊं ऐसे कर ले, जो साधना तुम कर रहे हो ये तुम्हारी मोक्षदायक नहीं है, जो पांच वक्त तुम केवल सतुति ही सतुति करते हो, जो साधना विशेष है वो नहीं कर रहे हो। जैसे बिजली की गुणों को गाएं, पांच बार गा दे सुबह दोपहर शाम, जब भी पांच बार, बिजली बड़ी अच्छी है, अंधेरे को उजाले में बदल देती है, और ये जल निकाल देती है, ऐसा कर देती है, और कनेक्शन ले कोनी, तो क्या वो बिजली का लाभ मिलेगा आपको। तो भाई ये तो उसका पिता है, ये उसका दादा, यो ग्रैंड फादर है, और ये उसका परदादा, यो तीसरा दादा, और यह साकल बताऊं खाली क्यों रखी है, या जो है ये कहने लगे, ये काजू के उनके सामने क्या किया कर रखा परमात्मा ने, वो सांगल यानी वो बेल इतनी करड़ी बांध रखी, इतनी ढीली छोड़ रखी, और उससे थोड़ी सी दूरी पर काजू किशमिश और मिलाकर के कड़ा बना रखा हलुआ, और वो तीन प्लेटा में रख रखा, और वो उसके तक मुंह कोशिश करते हैं खाने की, लेकिन उससे छह इंच दूर उनका मुंह रह जाता है। परमात्मा ने लीला कर रखी थी, कहने लगा, देख अब ये काजू के और किशमिश के हलवा खाना चाहते हैं, इनको खिलाऊं हलवा। वह बेल बांध रहे थे, वह खाली बेल रखी थी, वह बेल उठा के परमात्मा ने उन कुत्ता को मारी, ले खुआऊं तुमने काजू के हलवे, चिनवा के ठोके, और वो चिल्लाऊं बुरी तरह, अब खुआऊंगा तुमने काजू के हलवे, जब भक्ति करी को ना। और कहने लगा, यह बेल देख खाली छोड़ रखी है ना, या यो जो बलख बुखारे का बादशाह है ना, वो मरेगा निकम्मा, भक्ति करता नहीं बकवाद करे, और वो कुत्ता बनेगा, उसको इस बेल से बांधूंगा। न्यू कहते ही उस राजा कहते पसीने आ गए, कति कलेजा हिल गया, चरणों में गिर गया, एकदम गिर गया।
और पकड़ दिए पैर, हे मन बख्श दे परवरदिगार, मैं ही उस बलख बुखारे का बादशाह हूँ। परमात्मा बोले, तेरे बाप दादा थे भाई, इनने भी बड़ी बद फैल कमाई, ऐसे तू अब तकत बैठ कर भूली, तेरा मन चढ़ने को सूली। इतना जब कहते ही परमात्मा ने वो सारी लीला समाप्त कर दी, समेट ली अपनी। अब आध घंटे तक वो सोच रहा है कि मैं संत के चरणों में रो रहा हूं, बुरी तरह रो रहा है, रो रो कर वहां पर जमीन गिल्ली कर दी। मेरा क्या होगा प्रभु, मुझे बख्श दो परवरदिगार। जब उठा तो देखा हुआ ना कोई बाग है, ना कोई तालाब है, ना कोई फकीर ना कुत्ता है, और सौपन भी नहीं, क्योंकि दिन की बात को लेटा देखो कि तो लेटा भी कोनी। अब उसकी तो बोलती बंद होगी, कती सांस नहीं आया, यो के बना भगवान, जुबान बंद होगी, कती गूंगा हो गया, जैसे आदमी घबरा जाया करे, जैसे कोई आपत्ति भयंकर आ जाती है। बैठ के घोड़े पे वहां आ गया ना उसके अन्य सैनिक मंत्री, उनकी खोज में इधर उधर घूम रहे थे वो, फिर उनको देखते ही राजा को पड़ाव की तरफ चल पड़े। राजा ने संकेत किया, चलो, मुंह से बोला नहीं, संकेत समझिए कि उठाओ साजबाज, बैक टू पवेलियन, अपने वापस घर को चलो। अब अगले दिन आ लिए वो, तो रानियों ने पूछा, राजा नहीं बोल रहा किसी से, जाकर के अपने कमरे में बैठ गया, दरवाजा बंद कर लिया। रानियों ने मंत्रियों से पूछा कि क्या बात होगी, तुम तो एक हफ्ते के लिए गए थे, आज तो तीसरे दिन आ गए। मंत्रियों ने सारी कहानी बताई कि हमने नहीं पता, ऐसे ऐसे एक मृग के हिरण के पीछे ये दौड़कर चले गए थे, हम इनको ढूंढते रहिए, हमें नहीं मिले ये, और वापस आए तिल की ये दशा थी, ना जाने इनके साथ क्या घटना घटी, ये बोल भी नहीं रही, हमारे से बोले नहीं। अब रानियां उस कमरे में प्रवेश हुई, दो दो चार समझदार सी जो मुख्य रानी थी और साथ में मंत्री। रानियां कहने लगी, राजन आप तो ऐसे डर जाते हो जैसे बालक डरा करते हैं, जैसे औरतें घबराती हैं, भूत देखा था वहां, मैंने ऐसे देखा था, आप तो राजा हो, क्षत्रिय हो, फलान हो, पता नहीं क्या गुण गाए। इतने में क्या हुआ, देख परमात्मा कैसे जड़ निकालता है इस आत्मा, इस जीवात्मा की, इस नरक से, जिसको ये अच्छी वस्तु समझता है राजपाट और धन को। एक कुत्ता आया, उस कुत्ते के सिर में जख्म था, जख्म में जीव चल रहे थे, कीड़े पड़े हुए थे। उन रानियों, उन राजाओं के सामने आकर के वह मंत्री खड़े, रानी खड़ी, वो कुत्ता बोलने लगा, कहने लगा, अब्राहम मैं उस शहर का राजा था, और जैसे मैंने कर्म किए और मैं उस राजा के साथ युद्ध में मारा गया था, उस बात से वो अब्राहिम सुल्तान अधम परिचित था। कहने लगा, मैंने जितने कुकर्म किए थे आज देख भोगने पड़ रहे हैं भाई, कोई नहीं मेरे साथ गया, ये कीड़े पड़ रहे हैं मेरे कुकर्मों के, और तेरे पीछे तेरे ऊपर मेहर है परमात्मा की, अपनी जान बचाई जाता बचा लिए। यूं कहकर के वो कुत्ता वापस स्पीड से भाग गया। अब वो कहने लगा, देख लो, मुझे कह रहे थे कि तू ऐसे हो वैसे ही, आप वैसे ही कह देते हो, ऐसा कुछ नहीं होता, ये तुम्हारे सामने क्या हुआ, और उन सबको कह दिया तुम निकलो इस कमरे से बाहर हो जाओ। रानी रूनी सारी बाहर कर दी, अंदर से कुंडा ला लिया, रोया खूब छक गए। रात्रि के समय ऊपर से पीछे रस्सा डाल के पीछे से उतर के केवल पैरों में दो जूते, उसकी सबसे कम कीमत की जूती थी, जूते थे जो एक की कीमत 125,000 रुपए, इतने रतन हीरे जड़े हुए थे, सोना, वो सबसे कम कीमती जूते पहने उसने, जो 250,000 रुपए के थे, वो पहन के और रस्सा पीछे डाल के वो कमंद बोला करते उसको, और नीचे उतर के रातों रात केवल एक कंबल, एक साल बांध लिया, ऐसे जैसे साल लगा ना छोटा, पहले अच्छे लंबे साल होते थे, वो ऐसे लपेट लिया और कोई कपड़ा तन पर नहीं लिया।
रातें रात निकल गया, 15-20 किलोमीटर शहर से दूर भाग गया। अब रस्ते में क्या हुआ कि उसको भूख लगी, पैदल चला नहीं था, राजा था, जबरदस्त भूख लगी। सुबह सुबह क्या देखा कि एक मालन अपने बाग के सामने बेर लिए बैठी, बेर बेच रही थी। राजा को भूख जोर की लगी हुई थी। राजा ने कहा कि मालिन मुझे बेर दे, क्या कीमत है बेर की, एक शेर बेर दे दे। मालिन ने कहा कि एक आने का एक शेर बेर दूंगी, एक आने के पहले जैसे 16 आने का एक रुपया होता था, तो राजा ने कहा कि एक शेर बेर तोल दे। अब जब उसने शेर बेर तोल दिया तो कहने लगी पैसे दे। राजा बोला पैसे मेरे पास नहीं है, ये एक जूती ले ले मेरी, ये जूती ले ले और इनकी कीमत 2.5 लाख। वो कहने लगी मन्ना एक आना दे दे, मन्ना ना बेरा। वो कहने लगा पैसे तो मेरे पास नहीं है तो बेर भी ना दूं। मालन बोली तो राजा मरण न हो रहा था, उसकी तो जान निकलन हो रही थी भूख में, कहने लगा ये जूती है मेरे पास, ये रख ले मैंने शेर बेर दे दे। वो बोली ना मन तो आना ला दे, एक आना दे दे। तो वो कहने लगा मेरे पास एक आना नहीं है, आप ये दे दो। तो उसने फट व दोनों जूती अपना काबू कर लिए जूते और एक शेर तखड़ी से तोल कर उसके जोड़ी में डालन लागी। तो वो शेर बेर डालते डालते पलड़े मत तराजू के उस पलड़े मत एक बेर जमीन पर गिर गया। अब दोनों का हाथ उस बेर पर गया, मालन का भी और राजा का भी, अब्राहिम का। मालन का मेरा बेर, अब्राहिम का मेरा बेर, दोनों उस बेर पर लड़न लगे। जब परमात्मा ना आकर एक थप्पड़ मारा उसके, वो मालन रूप में परमात्मा ही विराजमान थे, तो कहने लगे एक थप्पड़ मारा तार से, अब क्या बताना चाहते हैं परमात्मा कि यहां ऐसी गति होगी जीव की, 2.5 शेर की पावड़ी, 1 पैसे का बेर, और देख उस अदम सुल्तान ने कैसे छोड़ी मेर। परमात्मा बोले रन्य कमे इतना राजपाट छोड़ाया, घर के छोड़ाया तू, और यहां फिर 2.5 लाख की जूती दे दी, अरे एक बेर पर रोला मचा रहा, तेरी अकल की जारी है, बता के छोड़ाया तू घर ने, तू तो सब कुछ लिए फिर रहा है, वाए मेर तेर एक बेर मेरा, बता जा अपने घर ने कौन लेट हो जा। तब चरणों में गिर गया, बोला भगवान हम तो इसे निकम्मे है, हम तो इसे निकम्मे है परमात्मा, हमारी बुद्धि कति गिर चुकी है, अकल नाम की चीज नहीं हमारे अंदर, परमेश्वर दया करो मेरे दाता, मैं बहुत दुखी हो गया, मैंने छोड़कर मत जाइए। तब परमेश्वर ने कहा बेटा भक्ति कर, और वो विष था तेरे लिए, ये तूने राजपाट और ये ठाठ दिखाई दे थे तेरे शत्रु थे बेटा, इसलिए तेरी आंख खोल ली, तू इतना पिछले दिन में इतना भक्ति और भजन गणा किया था, दान खूब कर रखा था, जिस कारण से तेरा किया हुआ काल ने तुझे दे दिया, अब तेरी अकल मारी गई थी, इसलिए तेरे दिमाग को सेट करने के लिए तुझे घर से बाहर निकाल कर ये दिखायो के जंजाल है, अब नाम ले और जा वापस अपने घर में भक्ति कर ले बेटा, भगवान ना बूझिए, ये साधना कीजिए, घर रहते बार भक्ति करनी पड़ेगी। तब अब्राहिम ने कहा नहीं भगवान, अब घर नहीं जा सकता, अब तो दिखाई दे गया, वो अपने ऐसा कमाल करके दिखा दिया मेरे दाता, मेरे माता पिता गधे कुत्ते बन रहे और मेरी तैयारी हो रही थी, आपने बहुत कृपा करी, ये दयालु कौन से जन्म का ये पुण्य मेरे सामने आ गया। तो पुण्यात्माओं इस प्रकार उस प्यारी आत्मा को इस दलदल से निकाला, परमात्मा स्वयं में ही आकर के अपनी प्यारी आत्माओं को मोक्ष मार्ग बताते हैं और चरणों में लेकर के उसका कल्याण कराते हैं। पुण्यात्माओं परमेश्वर कबीर देव जी अपने सतलोक से चलकर स्वयं ही आते हैं,
और अपनी महिमा का ज्ञान आप ही बताते हैं और आप ही एक दास बनते हैं, आप ही एक तत्वदर्शी संत बनते हैं, आप ही एक भक्त की भूमिका करते हैं और स्वयं वो भगवान तो होते ही होते हैं, परमात्मा तो होते ही होते हैं। अप आरती अप सजय अप किंगर अप बाजय अप ताल धन जनकारा आप नचे अब देखन हारा। वो परमात्मा आप ही सब कुछ करता है। अपुन आत्माओं, परमात्मा कैसा है, उसका नाम क्या है, वो कौन है, कहाँ रहता है, ये ज्ञान उस स्वयं ही परमेश्वर आकर के बताता है और उस परमेश्वर ने अपनी महिमा का ज्ञान पांच वेद यहाँ के 21 ब्रह्मांड के परमात्मा भगवान इस काल भगवान ज्योति निरंजन के अंतःकरण में कंप्यूटर में इसकी आत्मा में फीड कर दिए थे। अब इसने के नाला की करी, चार वेद तो दे दिए जिसमें इसकी महिमा का ज्ञान भी साथ में है और परमात्मा के विषय में भी जानकारी है, लेकिन उसमें इन चार वेदों में परमेश्वर के पाने की विधि को ना, ज्ञान तो उस परमेश्वर का है लेकिन उसके पाने की विधि को ना, वो मंत्र नहीं है। इसलिए परमेश्वर ने अपनी उस अपनी महिमा की यानी अपने सचिदानंद घन की वाणी में अर्थात सवसम वेद में आप पर बता रखा है कि वेद मेरा भेद है, मैं मिलूं वेदम से नाही और जौन वेद से मैं मिलूं वो वेद जानते नाही। वेद चारों वेद मेरी ही महिमा मेरा ही भेद मेरा ही गुणगान कर रहे हैं लेकिन उन वेदों में वर्णित विधि से मेरी प्राप्ति नहीं हो सकती क्योंकि चारों वेदों में केवल एक ओम नाम ब्रह्म तक की साधना का है जो ब्रह्म कहता है मेरा तो एक ओम नाम है जैसे गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक 13 में ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म विहारण माम अनुसमरण यह प्रयाति तदम देहम सयाति परमांगति। गीता ज्ञान दाता ये ब्रह्म है जो श्री कृष्ण में प्रवेश करके बोल रहा है ये काल। वो कहता है कि मेरा तो केवल मुझ ब्रह्म का एक ओम इति एक अक्षर ओम ओम है और जो अंतिम समाज तक इसका सेवन करता हुआ प्राण त्यागता हुआ मेरे वाली गति को प्राप्त होता है, मेरे को मिल जाता है। अपनी अपनी गति को गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक 18 में स्वयं ही गीता ज्ञानदाता कहता है कि ये ज्ञानी आत्मा है तो उदार है परंतु ये मेरे वाली इस अनुतम घटिया अश्रेष्ठ गति में ही सचित है। इसलिए गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 और 66 में कहा है और 15 के 3-4 में कहा है कि अर्जुन तो सर्व भाव से उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से तो परम शांति और शाश्वत स्थान अर्थात सतलोक को प्राप्त होगा, तेरा फिर जन्म मृत्यु कभी नहीं होगा। तत्व ज्ञान प्राप्त होने के बाद उस परमेश्वर के परम पद की खोज करनी चाहिए, जाने के बाद फिर कभी लौटकर संसार में नहीं आते। तो इसे सिद्ध है कि कोई और श्रेष्ठ परमात्मा है जिसकी साधना से जीव को पूर्ण सुख पूर्ण मोक्ष प्राप्त होता है। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र 15 में यही प्रमाण है जो गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक 13 में है। वायु अनिलम अमृतम अथ इदम भस्मांतम शरीरम ओम कर्तु समर किलवे समर और कर्तुम समर के जैसे वायु माने प्राण जीव आत्मा अंत समय तक परमात्मा के इस ओम नाम का जाप काम करते करते स्मरण करे, विशेष कसक के साथ स्मरण करे और अपनी मजदूरी में लगे हुए काम में लगे हुए काम करने वाले ये प्राणी तो काम करता करता भगवान की भक्ति कर अपना परम कर्तव्य समझ कर भक्ति कर। वो अंत समय में जब प्राण त्याग कर छाड़ चले जाते हैं जब शरीर नष्ट होता है अंत होता है तब जो काल के लेवल का अमृतव है जितना वो मोक्ष दे सकता है वो मोक्ष उसको प्राप्त हो जाता है। अपरमात्मा अपनी महिमा की वाणी आप ही बताते हैं और चारों वेदों में परमेश्वर ने कहा कि चारों वेद मेरा ही गुणगान कर रहे हैं
चारों वेद मेरा ही गुणगान कर रहे हैं, लेकिन वेदों में वर्णित विधि से मैं नहीं मिलूं। वेद मेरा भेद है, मैं मिलूं वेदम से नहीं, जौन वेद से मैं मिलूं ये वेद जानते नहीं। गुणात्मा चारों वेदों में यही प्रमाण है कि परमात्मा सह शरीर है और उसका नाम कबीर है। कबीर, हम वेदों में कबीर देव लिखा है, हम उसे कबीर परमात्मा बोलते हैं, कबीर परमेश्वर, कबीर देव, कबीर देव, कबीर माने हमने कबीर बना लिया कबीर का, और देव माने परमेश्वर साहब, कबीर साहब हम बोलते हैं उस भगवान को जो वेदों में कबीर देव लिखा। एक महाराष्ट्र का एक संत को महात्मा भक्त श्रद्धालु, उसने मराठी भाषा में एक बुक लिखी है। उसने कहा कि वेदों में जहां भी देखे लिखा है कि कवि, उसने कबीर को कवि लिया है कि कवि सर्वशक्तिमान है, वो कवि सबका सृष्टि रचनहार है, वो कवि मोक्षदायक है, वो कवि पाप नाशक है, वो कवि अमित ओझा है, सबसे शक्तिशाली है। तो वो कहता है वो कवि कौन है, मेरे यहां समझ में नहीं आई, ये मुझे पता नहीं लगा वो कवि है कौन जो इतना समर्थ है। अपुण्य आत्माओं, जैसे यजुर्वेद है, यजुर्वेद के ऊपर रह लगा होता आधा और उसको संधि छेद करके अगर अलग किया जाए तो उस रह की दो बिंदी यानी दो अपसर्ग लग जाती है, उसके दो बिंदी लग जाती हैं और वेद अलग लिख दिया जाता है, और उससे भी फिर वो यजुर्वेद ही कहा जाता है। अगर यजु लिखा हो, यजु नहीं कहा जाएगा, यजुर्वेद ही बोला जाएगा। तो ऐसे ही कहीं पर वेदों में जो कवि, वैसे कवि का अर्थ काव्यकार होता है, वो तो सेंटेंस बताएगा, वो भाषा बताएगी उस मंत्र की कि यहां कवि का अर्थ काव्यकार है या परमेश्वर, उसका नाम है प्रभु का, तो वो कवि परमात्मा है, वो कबीर है, कबीर देव है, हम उसको कबीर देव, कबीर साहब कहने लग गए। तो पुण्यात्मा, उस कबीर परमेश्वर ने स्वयं आकर के अपनी प्यारी आत्माओं को मिलते हैं, वो अपनी प्यारी आत्माओं को आकर मिलते हैं परमात्मा। और उन प्यारी आत्माओं को मिलते हैं जो कभी परमेश्वर के चरणों में रही हों। अब कैसे कबीर परमेश्वर किन किन को मिले? आदरणीय धर्मदास साहिब जी को मिले, आदरणीय दादू साहिब जी को मिले, आदरणीय मलुकदास साहिब जी को मिले, आदरणीय नानक साहिब जी को मिले, आदरणीय गरीबदास साहिब जी को मिले छुड़ानी में हरियाणा में, आदरणीय गीसा दास साहिब जी को मिले खेखड़ा में यूपी में, आदरणीय नानक साहिब जी को मिले पंजाब में तलवंडी, जो वर्तमान में पाकिस्तान है, वैसे पहले पंजाब था, और उनको अपनी समर्थता से परिचित करवाया, उन प्यारी आत्माओं को वो सत उपदेश दिया। तब उन्होंने अपने परमात्मा की महिमा कलम तोड़ गाई। आदरणीय गरीबदास साहिब जी को परमात्मा ने वो अमृत ज्ञान दिया, परमात्मा कबीर जी, कबीर परमेश्वर जी ने गरीबदास जी के अंतःकरण में वो अमृत ज्ञान फीड कर दिया, जो गरीबदास साहिब जी ने सिंपल लैंग्वेज में, साधारण भाषा में, और वही सबसों वेद की वाणी का वर्णन किया। क्या बताते हैं? मन माणिक लहर समंदरे, मुरजीवा नग सीपन सायर, वो निर्मल आनंद कंदरे। मन माणिक लहर समंदरे,
मुरजीवा नगसीप न सायर वो निर्मल आनंद कंद्रे। भाई मोती मुक्ता दर्शत नाही यो जग है सब अंदरे, मोती मुक्ता दर्शत नाही ये जग है सब अंदरे, दिखत के तनैण चम इनक फेरा मोतिया बंदरे, दिखत के तो नैण चम इनक फेरा मोतिया बंदरे। मन माणिक लहर समंदरे मुरजीवा नग सीप न सायर वो निर्मल आनंद कंदरे। नर नारायण देही पाके जय कटा न जम का फंदरे, नर नारायण देही पाके जय कटा न जम का फंदरे, रतन अमोली दर्शत नाही ढक है जाकी जंदरे, रतन अमोली दर्शत नाही ढक है वाकी जंदरे। भाई पूर्ण ब्रह्म रटे अविनाशी जो भजन करे गोविंदरे, पूर्ण ब्रह्म रटे अविनाशी जो भजन करे गोविंदरे, भाव भक्ति जा हृदय होई के कर है सुरपति अंदरे। भाई इंद्री कर्म ना लगे लगारम जो भजन करे निर्दंदरे, गरीब दास जग कीर्ति होगी जब तक सूरज चंद्रे। मन माणिक लहर समंदरे मुरजीवा नग सीपन सायर वो निर्मल आनंद कंदरे। भाई मोती मुक्ता दर्शत नाही यो जग है सब अंदरे, मोती मुक्ता दर्शत नाही यो जग है सब अंदरे, दिखत के तो नैन चम इनक फेरा मोतिया गंदरे। उन आत्मा मोती मुक्ता दर्शत नाही ये जग है सब अंधरे, सब अंध पूरे विश्व को परमात्मा ने ज्ञान नेत्रहीन बताया, और दिखत के तो नैन चमिन का फिरा मोतिया गंदरे। पुनात्मा वेद पढ़े पर वेद न जाने ये बाचे पुराण अठारह, जड़ को अंधे पत्ते खुआम भूल गए सृजनहारा। अब इस एक सेंटेंस को परमेश्वर के उस तत्व ज्ञान के एक सेंटेंस, एक अमृतवाणी के एक दोहे को सोल करने के लिए अब कितना बड़ा आपके समक्ष प्रमाण दिखाने पड़ेंगे।